बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी डिस्कस अबाउट दैट आवर लेक्चर नंबर 69 एंड दैट इज़ आल्सो रिलेट द चैप्टर नंबर 1 विच नेम इज़ द फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री एंड देयर इज़ ओनली सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का और विच इज़ रिलेट टू द ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिकुलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास। अब सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि एटॉमिक्स क्या है, ठीक है? एटम ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, वी कैन से दैट इन द सिंपल वर्ड्स कि हमारे पास कोई भी एटम है, जैसे कि सोडियम एटम है, क्लोरीन एटम है, और हम ये बात पढ़ चुके हैं इन अ प्रीवियस लेक्चर कि द सब्सटेंसेस विच आर मेड ऑफ, के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो प्योर पीस ऑफ मैटर होते हैं हमारे पास। तो सब्सटेंसेस हमारे पास एटम भी हो सकते हैं, सब्सटेंसेस में हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, एंड सब्सटेंसेस हमारे पास फॉर्मूला यूनिट मतलब कि आयनिक इन नेचर भी हो सकते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम लिखा है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास। अगर मैंने यहाँ पर ग्राम एटॉमिक की कोई सिंपल एग्जाम्पल लेनी हो तो वी कैन रिलेट विद द कार्बन एंड ऑल्सो रिलेट विद द हाइड्रोजन विच इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर हम मॉलिक्यूलर की बात करेंगे, वी टेक एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड वी कैन ऑल्सो से दैट इन द फॉर्म ऑफ H2SO4, ये मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम फॉर्मूला यूनिट्स की बात करेंगे, द फॉर्मूला यूनिट मे बी या द आयनिक कंपाउंड मे बी नहीं एग्जैक्ट द हमारे पास क्या है आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड इज NaCl एंड द CaCO3, ठीक है? ये जैसे वाटर में डिसोसिएशन करेगा कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन, ठीक है? तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। अभी मैंने बताया आपको द एटम ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो एटम भी हो सकते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट के हमारे पास, अब एटॉमिक मास क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है? द एटॉमिक मास जो है ऑफ द एलिमेंट एक्सप्रेस इन द ग्राम, कि अगर हम क्या करेंगे एटॉमिक मास लेंगे किसका, या एटॉमिक मास ऑफ हमारे पास एलिमेंट्स को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम के साथ, अब किस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं, मेरे पास है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू द, अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ हाइड्रोजन, ठीक है, अब मैंने हाइड्रोजन ली है, अब मैंने इसका एटॉमिक मास अगर हम इसका देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास 0 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है? तो अगर हम अब बात करते हैं इसकी कि हमारे पास इसका मास कितना आएगा एलिमेंट्स का जिसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्राम के साथ, तो उसका मास हमारे पास आएगा 1। अब 1 किस तरह से आया, मैंने यहाँ पे लिखा है एटॉमिक नंबर इज 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1 बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 0, जब इनको 1 + 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो इसका हमारे पास अब क्या आ गया, कैलकुलेट करके हमारे पास हाइड्रोजन का जो है वो मास कितना आया है, वो कितना आया है 1.008, और ये आपका MCQ पॉइंट भी होगा, ठीक है? उसके बाद दूसरा एलिमेंट मेरे पास क्या है, द 1 ग्राम एटम ऑफ अ कार्बन। अब हमारे पास 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन है तो इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 ग्राम हमारे पास क्या है, कार्बन है, तो कार्बन को जब हम करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, एंड एटॉमिक नंबर इज बेस ऑन द, मैंने अभी बताया किसके ऊपर बेस करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस ऑफ एटम्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो 6, 6 + 6 को करेंगे, अब ये एक कार्बन एटम्स की बात कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2, 3, 4 जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते जाएंगे तो उनके मासेस भी बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है? मासेस मीन दैट कि हम उसके जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो हम अक्सर जब इसकी मल्टीप्लिकेशन आती है तो हमें पता है एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन जो है वो 8 है, जब हम सम करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को तो वो 16 हो जाता है, फिर हम 4 × 16 कर देते हैं, ठीक है? तो वो नंबर ऑफ एटम्स पे भी डिपेंड करता है कितने नंबर, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? अब 1 ग्राम हमारे पास क्या आया, मास कितना आ गया कार्बन का, वो आ गया 12। यहाँ पे देखें हमने कर लिया 1 ग्राम हमारे पास अगर कार्बन होगा वो किसको हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे 12 के साथ करेंगे। मैंने ये तमाम कैलकुलेशन यहाँ पर इसलिए दी है ताकि आपको रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े और आपको ये बात पता हो कि ये कैलकुलेशन हमारे पास कैसे आई हैं। नाउ वी कैन से दैट द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स, अब हमने एटम्स के एटॉमिक मास को फाइंड आउट किया है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस इन द ग्राम, अगर हम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम के साथ तो वो क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। उसके बाद सेकेंड हमारे पास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं बच्चों तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, अब हमने यहाँ पे पूरे एक मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करना है। अब मॉलिक्यूल हमारे पास मैंने यहाँ पे लिखा है वाटर,
ठीक है, अब वाटर भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है। अब उसके पूरे मॉलिक्यूलर मास को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और उसको हम किससे एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम के साथ, इन ग्राम, ग्राम में, और उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे टेकन की है इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड वाटर मॉलिक्यूल इज कंपोज ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा फॉर वाटर एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन के एटम टेक कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स को हम ले रहे हैं, तो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन 1 है, उसके पास सिर्फ एक नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं दैट इज कंपोज 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 होता है, हम सम करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, आंसर आएगा 16। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमने लिखा है 16 प्लस 2 जो है वो हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हम 2 हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर वाटर की कंपोजिशन के लिए और एक मॉलिक्यूल वाटर बना रहे हैं, लेकिन अगर यहां पर मैं 2 लगा दूंगी इट्स मीन दैट 2 मोल ऑफ वाटर या 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, फिर 3, 4, 5, 6 द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट विल बी इंक्रीज, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल ऑल्सो बी द इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहां पे कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो 1 वाटर मॉलिक्यूल्स की कर रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, 16 प्लस 2, और आंसर क्या आएगा, 18। अब ये भी आपके पास एमसीक्यू पॉइंट में आएगा कि व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द 1 मोल ऑफ द वाटर। उसके बाद हमारे पास है द 1 ग्राम, अगर हमारे पास 1 ग्राम जो है वो क्या है, मॉलिक्यूलर आपके पास फॉर्म में प्रेजेंट है H2SO4, तो उसकी कैलकुलेशंस करके जरा देखते हैं। H2SO4 की कैलकुलेशन में आपके पास क्या आ रहा है, मैंने इसको जो आपके पास H2SO4 है मैंने इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लिया ताकि समझने में आसानी हो जाए। हाइड्रोजन के दो हमारे पास, एक हाइड्रोजन के लिए एक एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ के हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है। यहाँ पर सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सम करते हैं तो आंसर आता है 32, ठीक है। एंड प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16, लेकिन अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं मोनोटॉमिक फॉर्म में, तो अब हमारे पास यहाँ पे मतलब के 4 हमारे पास जो है वो क्या है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय द 16, तो इन तमाम को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 98, और विच इज इक्वल टू द 1 मोल ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द H2SO4, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट, और विच इज अ 98। उसके बाद लास्ट है, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम फॉर्मूला मास को कंसीडर कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ द आयनिक कंपाउंड, एंड आयनिक कंपाउंड में भी NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड वी कैन ऑल्सो सेट द कॉपर सल्फेट, ये तमाम के तमाम आपके पास क्या आ जाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, वी कैन ऑल्सो सेट द फॉर्मूला यूनिट। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स एक्सप्रेस इन द ग्राम, के हमारे पास जो फॉर्मूला मासेज होते हैं आयनिक कंपाउंड्स को, कंपाउंड्स के, उनको हम एक्सप्रेस करते हैं किसके साथ, ग्राम के साथ जो है वो क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। अब सिंपल लेते हैं, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दी थी, NaCl और साथ में है कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम बात करते हैं NaCl की, तो NaCl का हम सबको पता है कि एटॉमिक नंबर 11, बट वी कैन कंसीडर द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 11, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा तो आंसर आएगा 23, ठीक है। 23 के साथ अब क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 70 प्लस 17 करेंगे तो आंसर आएगा 34, बट एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ 35.5 होगा। पीरियोडिक टेबल में ये मेजरमेंट्स दी होंगी, तो आपने वही वाली मेजरमेंट्स को कैरी करना है जो कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में दी हुई होंगी, पीरियोडिक टेबल चैप्टर नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। 56 हमारे पास, इन दोनों को प्लस करेंगे, 23 प्लस 35.5 इन दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आएगा 58.5। उसके बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैल्शियम का, तो कैल्शियम कार्बोनेट्स को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, मतलब उसको डिवाइड कर लेंगे, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सम करेंगे तो आंसर आएगा 40। इसी तरह से कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सम करेंगे तो आंसर आएगा 12। इसी तरह से हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, बट अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सम करेंगे तो आंसर आएगा 16। एंड यहां पर कितने ऑक्सीजन है, 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय द 16 आंसर 40 प्लस 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय द 16 आंसर आएगा 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला मास होगा हमारे पास वो कितना होगा,
जिसको हम कह सकते हैं दैट इज रिलेट टू द वन सॉरी 100 ग्राम. ठीक है, तो अब हमने क्या कैलकुलेट किया है, हमने सिंपल एटम्स को कैलकुलेट किया है. एटम्स को कैलकुलेट करने के बाद हमने मॉलिक्यूल्स के मास को कैलकुलेट एटम्स के मास को कैलकुलेट किया है, फिर हमने उनके जो है मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया है. मॉलिक्यूलर मास के बाद हमने कैलकुलेट किया है किसको, फॉर्मूला यूनिट को, और फॉर्मूला यूनिट इज कंसीडर एज द आयनिक कंपाउंड. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर मास कंसीडर एज अ वाटर मॉलिक्यूल या H2SO4, और इसी तरह से एटॉमिक मास रिलेट करते हैं हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म में, एंड एलिमेंट वी हैव अ हाइड्रोजन एंड द कार्बन. तो ये जितनी शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन लिखी है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और बाज़ू का इसमें से डेफिनेशन भी आ जाती है, तो आपने इस क्वेश्चन को दोनों तरह से जो है वो याद करना है. ठीक है, आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा. ये जो मैंने सारी कैलकुलेशन यहाँ पे की हैं, तो प्लीज़ अपनी बुक पर जरूर राइट कीजिएगा. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.